बहन भाई के प्यार का पर्व रक्षाबंधन रविवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं बहनों का कहना है कि पिछले साल कोरोना महामारी, लॉकडाउन व रेल बसों यातायात की सुविधा बंद होने के चलते बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी नहीं बांध पाई, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का असर कम होने के चलते बहनें अपने परिवार भाइयों तक पहुंची है और नीमच के बाजारों में इस बार राखियों से पूरा बाजार सज चुका है। वे महिला बड़ी संख्या में राखी की खरीदारी कर रही है। बहनों के साथ छोटे बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें भाई की कलाई पर अपना प्यार सजाने के लिए जमकर राखियों की खरीदी कर रही है। उनका रुद्राक्ष माला और रेशमी धागों की भी खूब राखी भी आ रही है। तो छोटे बच्चों को मोटू पतलू छोटा भीम सहित अन्य राखियां पसंद आ रही है। इनको खरीदने के लिए दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग रही। इस बार बाजार से चाइनीज राखियां गायब है। राखी पर्व को लेकर शहर व कस्बों में सभी चौराहे पर राखियों की दुकानें सजने लगी। दुकानों पर महिला के अलावा बच्चों को सुबह से भीड़ लगने लगती है। वह दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों से राखी नहीं आ पा रही थी। इस बार हमने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता से फैंसी राखी मंगवाई है जो ग्राहकों को बहुत पसंद आ रही है। इस साल बहुत ज्यादा उत्साह है कि पिछली बार क्या कोरोना हो गया था, उसके बाद डर भी था, अब लोगों को डर थोड़ा कम हो गया है कोरोना को लेके, तो इस बार थोड़ा मजा भी अच्छा है और उत्साह भी सभी को है। पिछली बार राखी बना भी नहीं पाए थे, बहने घर जा भी नहीं पाई थी पिछली बार लॉकडाउन के कारण, अब सब अपने पिए आई है इसलिए राखी भी बना रही है। पिछली बार लॉकडाउन हो गया था तो कोई सरकार ने आने जाना बंद कर रखा था, तो उस वजह से क्या होता कोई जा नहीं पाया था, और फिर डर भी था कि यार ट्रेवल नहीं करना है अपने को, इसलिए इसकी वजह से भी कोई राखी बनाने नहीं गया था। इस बार क्या थोड़ा फ्री है, ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसलिए सब अपने पिया जा रहे हैं राखी में। बहुत रौनक है इस बार तो बहुत ज़्यादा अच्छी रौनक दिख रही है मार्केट में। कोरोना के डर के कारण लोग डर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब में उत्साह पूरा है रक्षाबंधन को लेकर। बिल्कुल लास्ट ईयर जैसे था कोरोना के डर के कारण बाजार में रौनक कम थी, लेकिन इस बार थोड़ा डर कम होकर उत्साह जाता। बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आई हैं, कई बाहर से भी आई हैं। चाइनीज राखियाँ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इंडियन राखियाँ भी काफ़ी अच्छी है। दो दिन बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन त्यौहार के लिए सभी महिलाएं बहुत उत्सुक रहती है, क्योंकि साल भर में एक त्यौहार अपने भाई के लिए आता है, तो सभी महिलाएं चाहती है कि हम अच्छी से अच्छी राखी लें। और इस बार हमने मार्केट में देखा है बाजार में कि बहुत अच्छी रौनक है और राखियां भी बहुत सुंदर है। जयपुर से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, सभी जगह से राखियां आई हुई है दुकानों में और बहुत अच्छी राखियां आई हुई है। तो सभी बाजार में रौनक अच्छी है राखी के त्यौहार पे, और सभी अच्छी अच्छी राखियां खरीदना, हम भी आज इसीलिए आए कि अच्छी राखी खरीद के अपने भाई के लिए लेकर जाएं। बाजार बहुत ही सुंदर है, आप भी देख रहे होंगे कि ना सभी दुकानों में बहुत अच्छी आकर्षक राखियां लगी हुई है और जगह जगह डेकोरेशन किया हुआ है कि बहुत सुंदर दुकानें सजी हुई है। क्योंकि साल में एक ही बार आता है भाई का त्यौहार, तो राखियां इतनी सुंदर है कि सभी महिलाएं चाहती है कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, वो चाहती है कि मैं सारी ले लूं अपने भाइयों के लिए। इस बार जो रक्षाबंधन है, पिछली बार लॉकडाउन में रक्षाबंधन मना था, तो इस बार लोगों में रक्षाबंधन मनाने के लिए जो माता बहनें हैं विशेषकर, उनमें बहुत अधिक चाह है। उन्होंने पिछली बार पूर्ण रूप से रक्षाबंधन नहीं मना पाई थी, लॉकडाउन था, बसें नहीं चल रही थी, लेकिन इस बार मार्केट में बहुत अच्छी रौनक है और राखियों में भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई है। पिछली बार लॉकडाउन के कारण राखियां बन नहीं पाई थी, तो जितना भी पुराना स्टॉक लोगों का था वो पिछले लॉकडाउन में निकल चुका था। इस बार प्रत्येक दुकान में प्रत्येक दुकानदार सारी नई राखियां है, पुराने राखियां किसी के पास है नहीं, और माताएं बहनें बिल्कुल आतुर है, बता रही है कि एक से एक राखियां बाजार में आई है। हम भी हमारी प्रयास करते हैं कि हमारे दुकान में भी सबसे अच्छी राखी मिले और सारी माताएं बहनें जो भी आती है वो संतुष्ट होकर हमारी दुकान से जाए। हमने अभी बॉम्बे, कलकत्ता और जयपुर की राखियां हमने बुलवाई है, यहाँ पर इंदौर से भी कुछ माल हमारे पास आया है। हाँ, पिछले तीन दिनों से बाजार में बहुत अच्छी रौनक है। रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसलिए आज शुक्रवार है और आज से ही बाजार में आप देख ही रहे हो रौनक बहुत अच्छी है। सुबह से ही ग्राहकों का आना जाना लगा रहा है और ग्राहक भी बहुत अच्छी अच्छी राखियां पसंद करके ले जा रही माताएं बहनें। मार्केट बहुत अच्छा सजा है, बहुत अच्छी राखियाँ आई हैं, सारी बहनें बहुत उत्साहित हैं राखी को लेकर और बहुत फैंसी राखियाँ हैं, बाहर से भी राखियाँ आई हैं। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।